अरुण कुमार सूरी अपने मदर इन लॉ को मैदानता में लेके आया हूँ। आई एट 12:30 सी हैड ए फॉल इन द बाथरूम एंड सी कुडंट मूव, सो आई कॉल द एम्बुलेंस ऑफ मैदानता एंड दे ब्रॉट इट हेयर एंड इमीडिएटली दे टेक एन एक्शन एंड गिव हर एक्सरेज एंड एवरीथिंग एंड शी वॉज इन टेरेबल पेन एट दैट टाइम एंड नाउ शी इज बीन इम्प्रूव्ड एंड द ऑपरेशन हैज बीन डन बाई डॉक्टर साइफ एंड शाह एंड इट इज़ वेरी नाइस ऑफ हिम टू डू दिस बिकॉज शी इज 96 ईयर ओल्ड एंड वी वर वरीड दैट वेदर शी कैन बी ऑपरेटेड और नॉट बट ही टेक ए चांस ही गाइडेड मी वेरी वेल एंड नाउ द ऑपरेशन हैज बीन परफॉर्म्ड ऑफ द लेग हिप एरिया वॉज अफेक्टेड एंड द रॉड इज पुट देयर एंड नाउ शी इज एब्सोल्युटली फाइन विद इन 2 days शी इज बीन रिकवर्ड एंड शी इज इन नाउ गोइंग बैक टू होम विद इन 3 days. That is very nice of Mazanta's team of doctors and I will always thank God and that the doctors that they have done so well in the operation and she has been very active now. I mean now she is able to go home and now we will take care and she will be fine. Thank you. Namaskar. हमारे देश में वृद्ध अवस्था के फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन हैं और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसको हम लोग अपनी भाषा में जियाटिक फ्रैक्चर्स भी कहते हैं, फ्रिजिडिटी फ्रैक्चर्स भी कहते हैं, ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स भी कहते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि हड्डियों का कमज़ोर होना। हड्डियों का कमज़ोर होना बहुत सारी चीज़ों से होता है, डायटिक फ्रैक्चर्स भी होते हैं, एज रिलेटेड फ्रैक्चर्स भी होते हैं, फीमेल्स में ज़्यादा भी होता है, फैमिलीज़ में भी रन करता है ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है। और इसमें लैक ऑफ एक्सरसाइजेस भी एक मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से बोन्स वीक होती हैं। तो हम लोग एक जो है वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं और हम लोग जब भी इस टाइप के पेशेंट्स को हम लोग करते हैं ऑपरेट, तो हम लोगों की एक टीम ऑफ डॉक्टर्स बैठते हैं, उसमें कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, एनेस्थेटिस्ट होते हैं, सर्जन्स होते हैं, हम लोग होते हैं, और अगर कोई भी स्पेशलिटी और भी उनको पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो वाली स्पेशलिटी के डॉक्टर्स होते हैं। अटेंडेंट से हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और हम लोग रिस्क को कैलिब्रेट करके पेशेंट्स की सर्जरी यूजली करते हैं। सर्जरी कर देने से फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट्स को हम लोग नेक्स्ट डे बेड के बाहर कर सकते हैं और पेशेंट्स को हम लोग अप एंड अबाउट कर देते हैं। 2-3-4 रोज़ में हम लोग पेशेंट्स को यूजली डिस्चार्ज कर देते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ी स्टडीज थी, उसमें यह आया था कि अगर आप ज़्यादा एज के पेशेंट्स को अगर आप नहीं ऑपरेट करते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीट करते हैं, तो अराउंड 52% यानी कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेशेंट डाई विद इन द फर्स्ट 6 months ऑफ द फ्रैक्चर्स। अभी जो एक फीमेल हैं, हमने इनको किया है ऑपरेट, इनकी एज 96 ईयर्स है। अदरवाइज ये ठीक हैं, अपने घर में थोड़ा बहुत चलती थी, शी इज़ क्वाइट यू नो ओरिएंटेड, सब कुछ समझती हैं, सब है। तो ये हल्का सा ट्रिप हुई और इनको फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने की वजह से अगर हम इनको नहीं करते ऑपरेट तो ये बेड में ही रहती हैं और फिर वो चीज़ ठीक नहीं होती इनके लिए। तो हमने इनका किया है ऑपरेट, अभी हमने नेक्स्ट डे इनको जो है सिटिंग करा दी। 1-2 रोज़ में हम इनको थोड़ा सा चलवा देंगे वॉकर के सहारे। सर्जरी नहीं करने की सूरत में फिर ये बेड से कभी बाहर नहीं आने की उसमें स्थिति में होती हैं और वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली हो जाती है पेशेंट्स के लिए भी और घर वालों के लिए भी। थैंक यू वेरी मच।